अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं ट्राई करने दही बड़ा। तो चलिए देखते हैं झट से ये कैसे बनता है दही बड़ा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बस चलिए, ये मैंने ले ली है दही बड़े की दाल, जिसको हम लोग पीसते हैं। उसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्च और जीरा, उसको अच्छे से पीस लेंगे। ये लीजिए, मैंने अपनी दाल पीस ली है। अब इसको हम लोग अच्छे से मैश करेंगे। इसमें डालेंगे हम लोग नमक और सोडा और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमें बस इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। फिर पानी में हम लोग डाल के देखेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हुई है कि नहीं। अगर ये पानी में ऊपर आ गई तो हमारी दाल अच्छी है। बस हम वही ट्राई कर रहे थे। तो देखिए हमारी दाल ऊपर आ गई, ये हमारी दाल ऊपर आ गई। तो अब हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। तो हाथ में पानी लगा लगा के इसको अच्छे से बनाना है, फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। बस इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये मेरी पकौड़ी रेडी है। तो हम एक तरफ दही भी रेडी कर लेते हैं। तो जो पकौड़ी हमने फ्राई की थी उसको हम लोग अब डालेंगे ठंडे पानी में। कोई इशू नहीं है, आप गर्म पानी में डाल सकते हैं, ठंडे पानी में भी। तो इधर मैं अपनी दही में डाल रही हूँ शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। इसमें ब्लैक साल्ट डालेंगे और सादा साल्ट डालेंगे। मेरी पकौड़ी हम लोग ने पानी में डाली थी, उसको बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। ये अब हम पैकिंग करते हैं इसकी। ये मैंने दही डाल दी और ये हमें इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी हम लोग ने आपको दे चुकी है, अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए। तो ये मेरा दही बड़ा रेडी है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।